क्योंकि आप दो बार विधायक भी रहे, उठाते आए कि एक भील प्रदेश की कल्पना आपने की थी और आप उसकी मांग को विधानसभा में उठाते आए। अब चूंकि आपकी पार्टी बन चुकी है, तीन विधायक एक सांसद हो गए, तो इस मांग को कितनी प्रबलता से उठाएंगे और क्या ये मांग अभी भी लगता है आपको कि वाजिब मांग है? देखो, बिल्कुल वाजिब मांग है। इस मांग की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं हर साथियों से चर्चा यही कर रहा हूं कि मांग कब से उठी, क्यों उठी। इस मांग पे जब भी हम चर्चा करते हैं तो दो चीजों पे दो सवाल बनते हैं कि ये मांग कब से उठी, क्यों उठी। क्या ये मांग सिर्फ राजकुमार रावत या भारत आदिवासी पार्टी उठा रही है, या ये मांग थी पिछले 5 सालों में उठी है। ये मांग बहुत पहले से उठती आ रही है, आजादी से पहले उठी, आजादी के बाद भी कई लीडर ने उठाई। क्या ये मांग सिर्फ राजस्थान अकेले से नहीं उठ रही, ये मांग मध्य प्रदेश से भी उठ रही है, ये मांग गुजरात से भी उठ रही है। क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो गोविंद गुरु महाराज का जो आंदोलन हुआ था मानगढ़, जिसमें 1500 आदिवासी मारे गए थे, तो उस आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजी शासन व्यवस्था में ही वहां के आदिवासियों ने अलग से बिल प्रांत की डिमांड की थी और उसी वजह से वहां आंदोलन हुआ और गोलियां बरसी और 1500 आदिवासी शहीद हुए। तो उन शहीदों का त्याग जो दिया है उसका परिणाम आज तक नहीं मिला आजाद भारत में भी। आजादी के बाद भी कई लीडरों ने, मध्य प्रदेश के कांतिलाल जी बुरिया हैं, ऐसे कई लीडरों ने इस बात को उठाया है। तो ये वाजिब मांग है। वाजिब इसलिए है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, वहां ट्राइबल इलाका बाहुल्य क्षेत्र है, सबका कल्चर एक है, सबकी बोली भाषा एक है, सभी भौगोलिक स्ट्रक्चर सेम है। तो ये इलाका चार भागों में बंटने की वजह से आज इस चारों स्टेटों के चारों ट्राइबल इलाके में, जिसको बिल प्रदेश को हम आइडेंटिफाई करते हैं भौगोलिक दृष्टि से, इस स्टेटों में, इस इलाके में, चारों स्टेटों में गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। चार हिस्से हो गए इस भाग के, भौगोलिक भाग के, विशेष कम्युनिटी क्षेत्र के लोगों के और विशेष कल्चर वाले लोगों के चार हिस्से हो गए और चारों हिस्सों में, चारों स्टेट में चले गए और चारों स्टेट में जाने के बाद इन चारों हिस्सों में गवर्नमेंट ने आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए आज उस इलाके में आज कुपोषण का आंकड़ा उठाने जाओ सबसे ज्यादा वहां मिलेगा या 12 मिलेगा, गरीबी देखा जाओ वहां मिलेगा, कोई अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, छुआछूत भेदभाव होता है तो वही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का ट्राइबल इलाका वही मिलेगा, भुखमरी देखे जाए वही मिलेगा, सारी चीजें आज वही मिल रही है क्योंकि वो चार हिस्सों में डिवाइडेशन हो गया। और अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होता तो हो सकता है बाई चांस ये डिमांड नहीं उठती।